अगर हम प्रायोरिटी इंटरप्ट की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। इसके हार्डवेयर पार्ट की बात चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर पार्ट की। तो पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर की जरूरत इसमें कहाँ पे पड़ती है। जब भी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट इनिशिएट करता है और सीपीयू उस इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है, तो उस डिवाइस का सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होता है। तो वो सॉफ्टवेयर रूटीन एक तरह से ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है, जिसे कि हम प्रोग्राम कहते हैं। स्क्रीन में जो चित्र दर्शाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि मेमोरी में किस तरीके से सॉफ्टवेयर रूटीन रिसाइट करते हैं, जो कि इंटरप्ट के जनरेट होने पे किसी डिवाइस के उसके करस्पॉन्डिंग सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करते हैं। जो वेक्टर एड्रेस है, ये बेसिकली जो सर्विस रूटीन है उसके मेमोरी में एड्रेस का लोकेशन है, जिस तक जंप इंस्ट्रक्शन के थ्रू पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे ये जो सिंबॉलिक नेम दिया हुआ है हर सर्विस रूटीन के स्टार्टिंग में, ये इस सर्विस रूटीन का स्टार्टिंग एड्रेस है। जैसे ये डिस्क लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो डिस्क है इसके सर्विस रूटीन का स्टार्टिंग एड्रेस है। ऐसे ही ये प्रिंटर के सर्विस रूटीन का स्टार्टिंग एड्रेस है। ये सब जैसे कीबोर्ड है, ये इसके स्टार्टिंग रूटीन का एड्रेस है। आइए इसे अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मेमोरी में इस वक्त एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है जिसकी लाइन नंबर 749 इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही है, और इस टाइम पर माना कीबोर्ड जो कि एक एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, उसने एक इंटरप्ट जनरेट किया। तो जो सीपीयू है ये इंस्ट्रक्शन नंबर 479 का जो एग्जीक्यूशन है उसे कंप्लीट करेगा, फिर चेक करेगा क्या किसी डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है। अगर हाँ तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ना करते हुए इंटरप्ट साइकिल में चला जाएगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल में ना जाके इंटरप्ट साइकिल में चला जाएगा। तो वो क्या करेगा, रिटर्न एड्रेस को इस स्टैक में स्टोर कर देगा। यहाँ पे मेमोरी स्टैक दिखाई गई है, ये इस वक्त 479th लोकेशन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट 750 होंगे। इस 750 वाले कंटेंट को इसने स्टैक में स्टोर कर दिया। कीबोर्ड जिसका कि इंटरप्ट रूटीन लोकेशन नंबर 3 पे है यहाँ पे मेमोरी में, ये इसका सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होगा और ये इसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये एरिया यहाँ पे इसका विस्तार से यहाँ पे दिखाया गया है। तो मान लीजिए ये लोकेशन नंबर 3 पे जो जंप कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, इसका सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट हो जाएगा, होने लग जाएगा। और मान लीजिए अभी सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट हो रहा है और सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होते होते 255th लोकेशन तक आ गया, और इसी टाइम पे एक ऐसा डिवाइस जिसकी प्रायोरिटी कीबोर्ड से ज्यादा थी, ये डिस्क, इसने एक इंटरप्ट जनरेट किया, तो ये प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा मोमेंटरीली, और उस टाइम के प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट जो कि 256 हैं, वो दोबारा स्टैक में यहां चले जाएंगे, और उसके बाद ये जंप कर जाएगा डिस्क के सर्विस रूटीन के स्टार्टिंग एड्रेस यहां पर 0th लोकेशन पे, और ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जब ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद स्टैक से जो टॉप मोस्ट कंटेंट है, जो एड्रेस जो कि इस कीबोर्ड के सर्विस रूटीन का वो एड्रेस है जहां पे इंटरप्ट हो गया था पिछली बार और जहां से आगे को ये सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होना है, फिर कीबोर्ड जो कि बीच में मोमेंटरी स्टॉप हो गया था सर्विस रूटीन, उसको आगे एग्जीक्यूट करेगा। जब ये कीबोर्ड का सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लास्ट में फिर ये दोबारा स्टैक को चेक करेगा, ये रिटर्न एड्रेस जो कि 750 है, यहां पे ये दोबारा मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि मेन प्रोग्राम जिस वक्त एग्जीक्यूट होता है, तो उस अगर कोई डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करता है, तो किस तरह से उस प्रोग्राम को मोमेंटरीली स्टॉप करके सर्विस रूटीन उस इनपुट आउटपुट डिवाइस का एग्जीक्यूट होता है जिसने इंटरप्ट जनरेट किया हो।
इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि लोअर प्रायोरिटी के जो डिवाइस अगर इनपुट आउटपुट उन्होंने अगर इंटरप्ट जनरेट किया हो इनपुट आउटपुट डिवाइस ने और उनके सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करते हुए उनसे हायर प्रायोरिटी के डिवाइस अगर कोई इंटरप्ट जनरेट करे तो हायर प्रायोरिटी की सर्विस रिक्वेस्ट पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर उस लोअर प्रायोरिटी के डिवाइस की सर्विस एग्जीक्यूट होगी और फिर वापस वो मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। हर इंटरप्ट सर्विस रूटीन के कुछ इनिशियल और फाइनल सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हार्डवेयर इंटरप्ट सिस्टम के रजिस्टर को कंट्रोल करते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से किसी भी इंटरप्ट साइकिल के एंड में ये IEN को दोबारा से क्लियर कर दिया जाता है। इस फ्लिप फ्लॉप को दोबारा से सेट करने की जरूरत है ताकि इससे हायर प्रायोरिटी की जो डिवाइसेस हैं वो इंटरप्ट जनरेट कर पाए और उसी के साथ साथ जो लोअर प्रायोरिटी की डिवाइसेस हैं उनको इस मास्क रजिस्टर में मास्क भी करना पड़ेगा ताकि जिस डिवाइस की सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट हो रही हो उससे लोअर प्रायोरिटी के डिवाइस इंटरप्ट जनरेट ना कर पाए। तो यहां पर स्क्रीन में इंटरप्ट सर्विस रिक्वेस्ट के इनिशियल ऑपरेशंस दर्शाए गए हैं जिनके बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहला ऑपरेशन है जिस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है उसके और उससे नीचे की जो प्रायोरिटी के डिवाइस हैं उनकी जो बिट पोजीशन है मास्टर रजिस्टर में उन्हें क्लियर कर देना। फॉर एग्जांपल अगर प्रिंटर ने अभी इस वक्त इंटरप्ट जनरेट किया है और उसकी सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट हो रही है तो प्रिंटर, रीडर और कीबोर्ड इन तीनों की यहां पे जो मास्टर रजिस्टर में कोरस्पोंडिंग बिट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद इंटरप्ट स्टेटस बिट को क्लियर करना पड़ेगा ताकि अगर जिस डिवाइस की सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट हो रही हूं उससे हायर प्रायोरिटी की डिवाइस अगर इंटरप्ट जनरेट करे तो इसे दोबारा सेट किया जा सके। मान लीजिए जिस वक्त किसी भी डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया और उस टाइम पे कंप्यूटर या CPU किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था तो जिस टाइम पे इंटरप्ट जनरेट किया तो अब उस कोरस्पॉन्डिंग डिवाइस के सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और वापस उसी मेन प्रोग्राम में आना पड़ेगा। तो क्योंकि वो प्रोग्राम पहले से चल रहा था तो उसमें जो इंटरमीडिएटरी कैलकुलेशंस हैं वो जो भी इंटरमीडिएटरी वैल्यूज हैं वो उस वक्त CPU रजिस्टर्स में होंगी और इन वैल्यूज को CPU को दोबारा एक्सेस करना पड़ेगा जब इस प्रोग्राम में लौटेगा। तो इसलिए इस सारे रजिस्टर्स जो CPU रजिस्टर है इसकी वैल्यूज को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में जो प्रोसेसर रजिस्टर है CPU के अंदर उनकी सारी वैल्यूज को स्टोर कर दिया जाता है कहीं मेमोरी में। इसके पश्चात जो इंटरप्ट इनेबल बिट है इसको सेट कर दिया जाता है ताकि जो डिवाइस की सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट हो रही है उससे हायर प्रायोरिटी की डिवाइसेस भी इंटरप्ट जनरेट कर पाए इसके सर्विस रूटीन के एग्जीक्यूशन के दौरान। और लास्ट स्टेप में जिस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया था उसके सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर उस सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने के पश्चात कुछ फाइनल सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन के जो कि इंटरप्ट हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ये सारे स्टेप्स यहां पे फाइनल ऑपरेशन ऑफ ISR के अंतर्गत स्क्रीन में दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले जिस डिवाइस की सर्विस रूटीन अभी एग्जीक्यूट हुई है तो यहां पर इंटरप्ट रजिस्टर में वो बिट्स सेट हुई होगी तभी वो डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया था। जब डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया तो बिट सेट हुई तो दोबारा वो डिवाइस इंटरप्ट जनरेट कर पाए तो इसलिए इस बिट पोजीशन को क्लियर कर दिया जाता है। फिर जो प्रोसेसर रजिस्टर के कंटेंट हैं उसे दोबारा CPU के रजिस्टर्स में रिस्टोर कर दिया जाता है मेमोरी से। आपको याद होगा कि जब इंटरप्ट जनरेट किया गया था यहां पर तो CPU के कंटेंट CPU प्रोसेसर रजिस्टर के कंटेंट को सेव कर दिया था मेमोरी में ताकि दोबारा जब यहां पे ये वापस आए तो ये सारा कंटेंट अवेलेबल हो। तो यहां पे सेकंड स्टेप में इसको रिस्टोर कर दिया गया है। पश्चात जो ये मास्टर रजिस्टर है तो जिस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया था और उससे लोअर प्रायोरिटी के जो बिट पोजिशन है उन्हें
क्लियर कर दिया जाता है ताकि ये डिवाइस दोबारा इंटरप्ट जनरेट कर पाए। इसके पश्चात स्टैक में जो आपने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टोर की थी उसे वापस रिस्टोर कर दिया जाता है प्रोग्राम काउंटर में, ताकि जो सर्विस रूटीन के एग्जीक्यूशन के पश्चात जिस स्टेज पर इंटरप्ट जनरेट हुआ था उससे आगे की प्रोसेसिंग हो जाए प्रोग्राम की। और रिटर्न एड्रेस पर वापस लौटने के पश्चात यहाँ पे ये प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को रिस्टोर करने के बाद जो इंटरप्ट इनेबल बिट है इसको भी सेट कर दिया जाता है। ये जो इनिशियल और फाइनल ऑपरेशंस हैं इन्हें हम ओवरहेड ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने इंटरप्ट सर्विस रिक्वेस्ट के इनिशियल और फाइनल ऑपरेशंस की चर्चा की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की। धन्यवाद।